like a Hellcat. हेलो दोस्तों, मैं गिरीश पेन्यूरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर मैकेनिकल। दोस्तों, आज हम लेक्चर 5 में सॉलिडवर्क्स का लेक्चर 5 स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि मैं आपको फिलेट, चैम्फर, सेल और रिप टूल के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन के लिए, या अपने दोस्तों को भी आप शेयर करें। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, चाहे वो IIT, MNIT, BTech, पॉलिटेक्निक और ITI स्टूडेंट्स इन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो ओपन करेंगे, सबसे पहला टूल हमारा फिलेट का है। आप इसको ओपन कीजिए, यहाँ से आपके पास में सॉलिड वर्क्स में न्यू फाइल ओपन करना, पार्ट, देन ओके। तो सबसे पहले अभी आपके पास में फिलेट टूल हाईलाइट नहीं है, ठीक है, तो इसको हाईलाइट करवाना है। तो इसके बाद एक्सट्रूड, आप पहले एक पार्ट ड्रॉ कीजिए जिसमें कि हम इनका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से सेंटर रेक्टेंगल मैंने यहाँ ड्रॉ किया स्मार्ट डायमेंशन के थ्रू। आप इसमें जाइए 200 डिस्टेंस सपोज, और यहाँ से मैं इसको 100 डिस्टेंस दे रहा। एग्जिट वर्क बेंच, फीचर्स में आइए, एक्सट्रूड, देन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ब्लाइंड करके मिड प्लेन चेंज करें और इसकी थिकनेस को बढ़ा दें। ओके, अब आपके पास में फिलेट टूल ओपन है। फिलेट राउंड करना, एज को राउंड करना, दो कनेक्टेड जो फेसेस है उसको राउंड करना है। तो आप फिलेट का यूज करेंगे। यहाँ पर चार तरह के फिलेट आपके पास में, एक तो कांस्टेंट साइज फिलेट, दूसरा वेरिएबल साइज फिलेट, तीसरा आपके पास में फेस फिलेट और चौथा आपका फुल राउंड फिलेट। तो आप यहाँ पर कॉन्स्टेंट साइज फिलेट का यूज करेंगे। तो आप सेलेक्ट कीजिए एज को और यहाँ से आप इसको सिमेट्रिक करेंगे। इसकी रेडियस आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, रेडियस आपने सपोज 16 है भी, ओके 16। और सपोज आपके पास में इन दोनों कॉर्नर को तो आपने 16 कर दिया, सिमेट्रिक किया। और अगर आपको मल्टी रेडियस फिलेट का यूज करना है तो आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हुए और इसकी रेडियस को चेंज कर सकते हैं। सपोज इसको 20 करना है आपको, ओके, और दूसरी एज भी आपने 20 कर दी। तो यहाँ पर मल्टी रेडियस फिलेट का यूज, ये तो आपका 16 रेडियस हो जाएंगे दोनों, और इस कॉर्नर को भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी रेडियस आप चेंज कर सकते हैं। ओके, क्लियर। एंड नाउ डिलीट। नेक्स्ट आपके पास में यहाँ पर ऑप्शन आता है फिलेट में, अगर आप आए तो वेरिएबल साइज फिलेट, यहाँ से आप एज को सिलेक्ट करेंगे और एज को सेलेक्ट करेंगे तो V1 और V2 आपके पास में, यहाँ से वेरिएबल और ये वेरिएबल 2 आपके पास में है, ठीक है। V1 V2 यहाँ शो करेगा वेरिएबल रेडियस पैरामीटर्स आपके पास में V1 V2। और इसके अलावा नीचे अगर आप जाएं तो तीन, तो यहाँ पर आपके पास में पॉइंट्स हैं, ठीक है, आप इन पॉइंट्स को भी बढ़ा सकते हैं। अरे यहाँ से 5 पॉइंट्स यहाँ पर देंगे, ठीक है। इसके बाद में आप इसका साइज को सिलेक्ट करें, जैसे V1 आपको ये रेड कलर में आपको शो कर रहा है, यहाँ पर आपने रेडियस इसका सपोज दे दिया 16। दूसरा आप इस पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है, यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे तो P1 में आप इसको 8 आप कर दीजिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया, यहाँ से आप इसको 16 वापस। चौथा पॉइंट मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इसको आप यहाँ से वापस 8, अलग अलग राउंड आप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। इस पॉइंट को आप सेलेक्ट कीजिए अगेन 16। नेक्स्ट पॉइंट आप सेलेक्ट करेंगे 8 एंड देन नेक्स्ट पॉइंट, ये आपका लास्ट B2, ओके, यहाँ आप यहाँ से दे सकते हैं और यहाँ पर आप 16 कर दो, ठीक है।
तो यहाँ से आप देखें, यहाँ पर आपका एक तो सर्कुलर एक कर्वेचर शेप यहाँ पर रहा है, जो कि स्मूथ ट्रांजिशन का यूज किया हुआ है। ठीक है, अब मैं ओके करता हूँ इसको, तो मेरे पास में ये रेडियस, इस तरह की रेडियस क्रिएट हो जाएगा। देखें, इस तरह की रेडियस आ जाएगी। राइट क्लिक करके एडिट डेफिनेशन करेंगे यहाँ पर, और मैं सपोज इसको चेंज कर रहा हूँ स्टेट ट्रांजिशन में, देन ओके। तो ये एक तरह से स्ट्रेट यानी लाइन, ये थोड़ी स्ट्रेट जाएगी इसमें, ठीक है, ये वाली लाइन। अदरवाइज ये कर्वेचर शो कर रहा था, जो ये चीजें आपको बता रहा है, टेज बता रहा है। तो मैं यहाँ से स्मूथ करता हूँ, ठीक है। तो स्मूथ में हमें इस तरह से यहाँ पर आप इसको भी ऑफ कर सकते हैं प्लेन को। देखें आप इस तरह से, ठीक है, कर्वेचर लेना। तो ये वेरिएबल आपके पास में वेरिएबल पैलेट का यूज है। उसके बाद आप चलिए नेक्स्ट, आपके पास में आता है फेस टू फेस पैलेट, ठीक है, जहाँ पर फेस टू फेस पैलेट में आप इस फेस को, और यहाँ से पहला आइटम टू पैलेट फर्स्ट फेस मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, इस पर क्लिक करेंगे और सेकंड फेस को सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर जो भी आप रेडियस देंगे वो रेडियस आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर दीजिए। ठीक है, कितने रेडियस आपको देना है, सपोज 20 रेडियस का फिलेट देना। ओके, ये फेस टू फेस, या सपोज मैं यहाँ से फेस सेलेक्ट करता हूँ, एक स्केच यानी सर्कुलर शेप में मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, और यहाँ से इसकी साइज आप दे दीजिए, साइज 40। एग्जिट वर्कबेंच, फीचर्स में जाइए, एक्सट्रूड, और इसको सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, जो भी हाइट है तो 50 हाइट दे दे रहे हैं। प्लेट में आएंगे, यहाँ फेस टू फेस प्लेट का ये फेस भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ क्लिक करें सेकंड फेस के लिए, और इस तरह से आप यहाँ पर रेडियस क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही ये मेटल फिल करेगा कॉर्नर में 16 रेडियस, ठीक है, और ओके आप कीजिएगा तो इस तरह से बनेगा। दूसरा, आपने यहाँ से एडिट डेफिनेशन करना है, और यहाँ से आप इसको सिमेट्रिक, सपोज असिमेट्रिक करते हैं, असिमेट्रिक, ठीक है, और यहाँ से डिस्टेंस आप दूसरी दे दें 20, 50, 40 डिस्टेंस। ओके, ठीक है, इलेप्टिकल शेप में आएगा। इस तरह से नाउ डिलीट दिस सेगमेंट, अगेन डिलीट, नेक्स्ट फिलेट में एक ऑप्शन और आपके पास में फिलेट में आएगा, यहां से ये आपका फुल राउंड फिलेट, और फुल राउंड फिलेट में तीन फेसेस आपको सिलेक्ट करने होते हैं। सपोज ये फेस आपने सिलेक्ट किया फर्स्ट, सेकंड में ये फेस आप सेलेक्ट कीजिए, और थर्ड में इस फेस के पैरेलल फेस सेलेक्ट करना है। ठीक है, जो पहला फेस आप सेलेक्ट करेंगे तो उसका पैरेलल फेस आप सेलेक्ट करेंगे, तो फुल राउंड में इस तरह का आपको राउंड यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो ये तो आपके पास में फिलेट के ऑप्शन थे। तो ऐसे आपके पास में ड्राइंग्स भी आ गई, अगले सेगमेंट में हम ड्राइंग का भी हम यूज करेंगे कि किस तरह से हम ड्राइंग इसमें बनाएं। नेक्स्ट मेरे पास में ऑप्शन है चैम्फर का, और चैम्फर में देखिए आपके पास में यहाँ पर एज से ही आप दोनों फेस की तरफ, ठीक है, एज आप सेलेक्ट करेंगे, इससे कनेक्टेड फेस यहाँ पर चैम्परिंग, कुछ डिस्टेंस जो भी डिस्टेंस आप यहाँ पर देंगे, ठीक है, सपोज ये D1 एंगल है, पहला वाला ऑप्शन आपका एंगल और डिस्टेंस, आप इस एज को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से आप डिस्टेंस दीजिए, एरो की डायरेक्शन तरफ आपके डिस्टेंस जाएगी, यहाँ पे 20 डिस्टेंस आपने दिया, ठीक है, और एंगल आप कितना देते हैं, सो 30 डिस्टेंस में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, एंगल आप कितना देते हैं, तो सेकेंड जो फेस है वो 30 डिग्री पे दूसरे फेस को काटेगी, यानी पहला जो फेस है आपका, जहाँ डायरेक्शन है, जहाँ डिस्टेंस आप ले रहे हैं, ठीक है, 30 डिस्टेंस, तो इस एज से 30 डिस्टेंस तक जाएगा, उसके बाद में 30 डिग्री पे ये मेटल को रिमूव करेगा, ठीक है, इस तरह से।
तो अगर मैं इसको चेक करूं तो यहाँ से ये एक 30 डिग्री एंगल यहाँ पर आपको शो करेगा टॉप व्यू में, ठीक है। तो यहाँ से आपने अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से 30 डिग्री पे काटेगी। सेम इसी तरह से अगर मैं एडिट डेफिनेशन, सपोज मैंने इसको 60 कर दिया, एंगल 60 करता, ठीक है, ओके। अब ये आपका 60 डिग्री पे काट रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम चैम्फर का यूज करेंगे, फर्स्ट चैम्फर जो डिस्टेंस एंड एंगल है। दूसरा ऑप्शन आपके पास में यहाँ पर अगर आप देखेंगे चैम्फर में ही, तो ये आपका डी इंटू डी, यानी दोनों अलग डिस्टेंस है यहाँ पर। सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक क्या कि आप जितनी भी डिस्टेंस आप देंगे वहां से 45 डिग्री पे दूसरी डिस्टेंस को काटेंगे, यानी दोनों डिस्टेंस बराबर होती है एज से, 30 इधर 30 इधर, एज इस तरह से, क्लियर। एंड अगर मैं राइट क्लिक करके एडिट डेफिनेशन कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने असिमेट्रिक सेलेक्ट किया, तो आप इसमें अलग अलग डिस्टेंस दे सकते हैं, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पर 50 कर दिया एक डिस्टेंस और दूसरा मैंने 25 कर दिया, ओके। नेक्स्ट आपके पास में ऑप्शन आता है चैम्फर में, चैम्फर का नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है वर्टिक्स से है, ठीक है। वर्टिक्स अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो तीन एज इस वर्टिक्स से कनेक्टेड होती है, तीन एज, ठीक है, और तीनों आपके पास में यहाँ पर डिस्टेंस दी है। जैसे D1 मैंने 30 दे दिया, ठीक है, D2 मैंने यहाँ से 50 दे दिया, ठीक है, या इसको कम कर दो 25, और तीसरा मैंने यहाँ से 50 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये वर्टिक्स आपका जो है ना अलग अलग ये मेटल को ऐसे रिमूव करेगा, इसको कनेक्टेड करते हुए जो भी शेप बनाएगा वहां से मेटल को रिमूव करेगा। तो मेन चीज ये आपका चैम्फर का जो ऑप्शन था, सॉरी चैम्फर, यहाँ पर भी ऑफसेट फेसेस इसको सिलेक्ट किया, तो ये डिस्टेंस आपको यहाँ पर 30 डिस्टेंस एक साइड में और ये डिस्टेंस आपको यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। ये फ्लिप का ऑप्शन है, सेलेक्ट थ्रू फेसेस, चलो ओके। तो इस तरह से ये आपके पास में ऑफसेट चैम्फर, एक पहला वाला चैम्फर जैसे ये बता रहा है आपको। नेक्स्ट आपके पास में यहाँ से अगर हम चलें, इसके बाद में रिब ऑप्शन आपके पास में है, सॉरी शेल। तो शेल का यूज आपको करना है हॉलो करना किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ से अगर सेल आप यूज करते हैं, सपोज आपको फेस सेलेक्ट करना है और इसमें डिस्टेंस आपको देने की 6 डिस्टेंस, आपने यहाँ से जो वॉल थिकनेस डिस्टेंस है ये जितना रिमेनिंग आपको रखना है वो डिस्टेंस यहाँ पर रहेगी जो आप यहाँ पर दे रहे हैं, जो वैल्यू आप यहाँ पर दे रहे हैं, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का उतनी थिकनेस वॉल थिकनेस को रखेगा, बाकी हटा देगा, ठीक है। तो आप इसको प्रीव्यू चेक कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आप देखें स्पेस को सेलेक्ट करते हैं तो इन साइड में ये अंदर की तरफ जो है ना इस तरफ में मेटल रिमूव, अंदर की साइड में मेटल को ऐड कर रहा है ये थिकनेस में। तो ये थिकनेस आपकी 6 mm की थिकनेस है, ठीक है, नीचे से भी आपकी 6 mm की थिकनेस रहेगी। तो इस वजह से किसी किसी तरह का भी शेप हो तो उस शेप में आप ऑब्जेक्ट को शेल कर सकते हैं, हॉलो कर सकते हैं। ये तो मैंने एक ये दिया है, अगर मैं कोई दूसरा सर्कुलर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो वहां पर भी ये सिचुएशन आएगी, ठीक है। आप पर्टिकुलर जो आपको थिकनेस देनी है वो रहेगी, वो थिकनेस रहेगी, बाकी सारा रिमूव करें। और शेल आउटवर्ल्ड अगर यहाँ पर देखें तो बाहर की तरफ ये थिकनेस को मेंटेन करके चल रहा है बाहर की तरफ, बाकी ये अंदर ये हटा देगा इस तरह से, ठीक है।
इसी के अलावा एक या एक से अधिक फेस को भी आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, आपने सेलेक्ट किया फेस को, सपोज आपको इस फेस को भी रिमूव करना है, ठीक है, और इस फेस को भी रिमूव करना, आपने सेलेक्ट किया, ओके किया, तो ये इस तरह से पार्ट बनेगा। तो सभी थिकनेस को 6 mm रखेगा, ये जो आप वहां पर वैल्यू दे रहे हैं तो सारी वैल्यू आपकी 6 mm रहेगी। चाहे मैं यहाँ पर एक कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो सर्कुलर ऑब्जेक्ट में भी आपका इसी तरह से शेल का यूज होगा। और सपोज एक और ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं यहाँ पे स्केच, ठीक है, मैंने इस तरह से क्लोज कर दिया। और यहाँ पर एक सेंटर लाइन आप ड्रॉ कर लें, ड्रॉ करने के बाद में एग्जिट करना है इसको, फीचर्स में रिवॉल्व का यूज हम कर रहे हैं यहाँ पर, ओके। ठीक है, इस तरह से मैंने एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, इसको मुझे हॉलो करना है। ठीक है, तो शेल का यूज हम करेंगे, मेटल को रिमूव करना, कितना थिकनेस आपको देना, सपोज 2 mm की थिकनेस मुझे यहाँ से देनी है, तो थिकनेस तो हम कम से कम यहाँ पर देंगे। ठीक है, और इस तरह से अगर सपोज मुझे अंदर की साइड से ही मेटल को रिमूव करना है, ओके, तो एक तरह से ये आपके पास में ऑब्जेक्ट यहाँ पर बन जाएगा। ठीक ओके, इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट आपके रिब का ऑप्शन आता है, रिब साइड्स फिल टू मटेरियल फ्रॉम द साइड एंड टॉप, ओके। नाउ फर्स्ट सपोज यू ड्रॉ द स्केच हियर, आप यहाँ पर एक स्केच ड्रॉ कीजिए, स्मार्ट डायमेंशन, यहाँ से आप डायमेंशन इसकी 59, एक बार इसको आप सिंगल ऑब्जेक्ट में रखें। ठीक है, दोनों को आप ट्रिम कर दें यहाँ से, दोनों लाइन को ट्रिम करके एक सिंगल लाइन में इसको चेंज कर दें, ओके। और यहाँ से ये डिस्टेंस आपकी 40,
9 31 21 exit features exclude mid plane लेते हुए और इसकी डिस्टेंस को आप यहाँ पर 50 कर दो। ओके, यहाँ पर रिप का जो ऑप्शन है ना, हम यहाँ पर एक तरह से सपोर्ट क्रिएट करते हैं। यह साइड पे अगर मैं कोई ओपन स्केच ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, सपोज मैंने देखो ये एक सर्कल ड्रॉ किया और यहाँ से मैं इसके साइज को 24, सेंटर से एक डिस्टेंस हमने दे दी 20 और ये डिस्टेंस दे दी मैंने यहाँ पे 38 या चेंज कर दीजिए 35। आप एक लाइन मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ और इसको हम टेंजेंट मिला के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ट्रिम ये हटाना है आपको और इन दोनों को सेलेक्ट करना है, लाइन को और इसको, और यहाँ से टेंजेंट मिला है ट्रिम आप यहाँ से कीजिए और मुझे ये क्लोज नहीं करना है, ठीक है। अगर क्लोज करेंगे तो हम एक्सट्रूड का यूज कर सकते हैं, लेकिन ये क्लोज नहीं करना है, इसको हमको ओपन ही रखना है। लेकिन ये कनेक्टेड होनी चाहिए, इस एज से कनेक्टेड होनी चाहिए, ये भी कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक। यहाँ पर हम रिप का यूज कर सकते हैं, रिप, ठीक है। साइड से स्केच है तो ये आपका एरो की डायरेक्शन आपके नीचे की तरफ होनी चाहिए, ठीक है, जहाँ पर फेस है, क्योंकि फेस के साथ में ये ऐड करेगा, फिल करेगा, मेटल को फिल करेगा। ये आपका ऑप्शन है पैरेलल टू स्केच, तो ये वाला ऑप्शन आपका हाईलाइट है पैरेलल टू स्केच में। और ये आपका अगर टॉप में आप बनाते तो टॉप में आप, हम यहाँ पर साइड से बना रहे हैं, ठीक है, तो फिल मेटल फ्रॉम साइड, तो आप इसको क्लिक कर दीजिए, ठीक है। एरो की डायरेक्शन नीचे की तरफ होनी चाहिए, फेस की तरफ, जहाँ आपका मटेरियल है, देन ओके। यहाँ पर डिस्टेंस आप दे दीजिए, कितना डिस्टेंस आपको देना, सपोज 8 की डिस्टेंस, ओके, इस तरह से आ गए, ठीक है। और अगर मुझे ऊपर किसी फेस से, यहाँ से टॉप से, सपोज इस टॉप से ही मैं यहाँ पर एक सर्कुलर शेप में स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, टॉप पे। यहाँ पर साइड में आपकी दो फेसेस होनी चाहिए, ठीक है, दो फेस होनी चाहिए और यहाँ पर आपको टॉप में केवल एक ही फेस जिससे कनेक्टेड रहेगा ये, ठीक है। तो यहाँ से आप डिस्टेंस आप दे दीजिए, सपोज आपने 12 डिस्टेंस यहाँ पर दिया, ओके, और यहाँ से भी अगर डिस्टेंस आप एज से दे सकते हैं तो इससे डिस्टेंस दे दीजिए, ठीक है, इसको 20 डिस्टेंस दे दीजिए, ओके करेंगे। और एक आप इस एज से भी डिस्टेंस आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 10 करते हैं, 10 के 12 बढ़ाएंगे, एग्जिट। अब यहाँ से वापस रिप का यूज करें, एक तो आप इसमें भी एक्सक्लूड कर सकते हैं, लेकिन फीचर्स में अगर मैं रिप का, क्योंकि ये अंदर से हॉलो होगा, ठीक है, एकदम सॉलिड नहीं बनाएंगे, आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए आपके पास में, एक तो आप यहाँ से चेंज कर दीजिए इसकी रेडियस, ठीक है, सॉरी इसकी थिकनेस 2 mm अंदर की तरफ, 2 mm बाहर की तरफ। और अगर मैं फ्लिप कर रहा हूँ इसको, तो ये अंदर की साइड में ही रहेगा, यानी अंदर वाला स्केच आपका हॉलो बनाएगा, और अगर मैं आउटर साइड दिया तो ये देखिए आउटर साइड में यहाँ पर बनाएगा। एरो की डायरेक्शन आपके मेटल की साइड में होनी चाहिए, फेस की तरफ होनी चाहिए एरो की डायरेक्शन, क्लियर, ओके। तो अप टू सरफेस, यानी सरफेस तक ही, सीधे सरफेस तक ही बनाएगा। तो रिप में दो ऑप्शन आपके पास में, एक तो आपके पास में आता ये आपका पैरेलल टू स्केच, जिसमें कि आप साइड में और दो फेसेस आपके पास में होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है, चाहे आप एक सपोर्ट के लिए एक सिंपल सा लाइन ड्रॉ कीजिए स्पेस पे कनेक्ट करते हुए, तो वो स्केच आपके पैरेलल में, यानी जहाँ फेस है वहाँ आपको मेटल फिल करेगा। और ये आपका है आपके पास में नॉर्मल टू स्केच, यानी स्केच के नॉर्मल, फेस के नॉर्मल, ठीक है, तो ये पैरेलल में ड्रॉ हो जाएगा।
ओके कंट्रोल में चलेंगे। अगर एक से अधिक आपने स्केच ड्रॉ किया तो कंट्रोल का यूज करते हुए आप उसको चल सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, क्लियर। तो दोनों चीजें आपके पास में यहाँ पर हैं। और फिलेट का यूज करना है तो आप देखिए फिलेट यहाँ पर भी आपके पास में सिंपल फिलेट आप यूज कर रहे हैं। यहाँ पर पेज को आप डिलीट कर दीजिए, इस एज को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से भी एज को सेलेक्ट करें, ठीक है। कितना रेडियस आपको देना है, कितना रेडियस देना है वो रेडियस आप यहाँ से दे दीजिए, ठीक है। 10 रेडियस, ठीक है, ओके। सेम यहाँ पर फिलेट, इस ऑब्जेक्ट का आपको अगर मिरर करना, मिरर प्लेन सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से आपके पास में फिलेट नहीं, आप फीचर्स को इसको सेलेक्ट करेंगे रिप का, ओके। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट बन के आएगा। और अब यहाँ से इसमें कलर फिल करें ड्रैग करके, और यहाँ से पार्ट बॉडी यहाँ क्लिक करें, कलर्स में जाइए, ठीक है। यहाँ से आपको चेंज करना है, ओके। तो ये हमारे आज के टॉपिक थे, फिलेट, चैम्फर, शेल और रिब, ठीक है। तो ये आप वीडियो देखिए, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। और मैं इसके बारे में एक नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो एक्सरसाइज पे होगा, जिसमें कि हम इन सभी का यूज करेंगे, ओके। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।